नमस्कार स्वागत है आपका हेलो किसान में मैं हूं सिंह हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए ले लेकर आते हैं।, विशे विशे आपके सवालों को सुनते हैं और उनका देते दे दे हैं जवाब वो भी लाइव तो आज किस विषय पर हम आपके सवाल लेंगे और करेंगे चर्चा विशेषज्ञ से आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर आज का हमारा पहला विषय है गेहूं फसल की देखभाल और साथ ही हम बात करेंगे आज गन्ना फसल की आधुनिक विधियां, यानी किस प्रकार से आधुनिक विधि से आप गन्ना की फसल ले सकते हैं दोनों ही विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी प्रश्न है कोई सवाल है तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं ईमेल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर नोट कर लें एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छः शून्य एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छः एक टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लें आठ आठ शून्य शून्य पाँच दो शून्य सात एक सात ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपने सवाल हमें टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर वॉइस मैसेज के माध्यम से भी भेज सकते हैं और आप हमारा ईमेल पता भी नोट कर लें हमारा ईमेल आईडी आई डी है लोकेसान दो शून्य एक पाँच जी मेल डॉट कॉम तो तीनों तरीके से आप हमें अपने सवाल बता सकते हैं और कुछ बुनियादी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें जब आप हमें कॉल करें तो नेटवर्क क्षेत्र में ही रहें ऐसी जगह से हमें कॉल करें जहां से हम आपको स्पष्ट रूप से सुन सकें अपने सवाल को कम शब्दों में समेटने का प्रयास करें अपना नाम, बता नाम बताएं और अपने क्षेत्र का नाम बताएँ और जब आप ई या फिर व्हाट्सएप करें तो सवाल आप कम शब्दों में लिखें और अपना नाम और अपने क्षेत्र का नाम भी ज़रूर मैंशन करें आशा करते हैं कि हमारे किसान हमारे दर्शक इन बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे तो जैसा कि हमने आपको बताया आज हम खास तौर पर बात करेंगे किस तरीके से हमारे किसान इस वक्त गेहूं की, की फसल की देखभाल करें और इसके अलावा गन्ने की अगर आप इस बार फसल लेने वाले हैं तो कौन सी आधुनिक तकनीकें हैं कौन सी आधुनिक विधि है जिसका इस्तेमाल कर हमारे किसान अच्छी उपज अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं हमारे साथ दो मेहमान हैं आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं जो कि आज के कार्यक्रम में हमारे साथ अगले एक घंटे तक रहेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कुमार हैं सर्वतु बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग आई ए आर आई पूसा नई दिल्ली में और हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार पाठक जी हैं प्रसार अधिकारी गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से तो गन्ने पर सर आपसे हम बात करेंगे डॉक्टर पाठक से और गेहूं पर हमें जानकारी देंगे डॉक्टर दिनेश तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और पहले हम गेहूं कर गेहूँ पर बात कर लेते हैं और गेहूं की बात करें तो ये रबी की प्रमुख फसलों में से एक है हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इसके साथ साथ हमारे किसानों की आय के लिए भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है रबी की मुख्य फसल होने के साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अगर आप सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो काफ़ी अच्छी उपज ले सकते हैं अभी जो गेहूँ की फसल है लगभग दो से ढाई महीने की सर हो गई होगी तो क्या जानकारी देना चाहेंगे गेहूँ की फसल समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण तो बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है देखिए जो पछेती बोई हुई फसल है किसान भाई 25 नवंबर के बाद जो गेहूं लगाते हैं वो पछेती गेहूं होता है और समय से बुआई आपने 1 नवंबर से 25 नवंबर के बीच की होगी कुल मिला फसल आपकी दो से तीन महीने की होगी और जो समय से बोई हुई फसल है उसमें बालियां बन रही होंगी और उसमें फूल आ रहा होगा ऐसी अवस्था पर सही सिंचाई प्रबंधन बहुत जरूरी होता है जो पछेती फसल है उसमें आपने खरपतवारों से भी निपटारा पा लिया होगा चाहे समय से बोई फसल हो चाहे पछेती फसल हो या आपकी जो जो भी गेहूं की फसल है अब समय आ रहा है सही सिंचाई प्रबंधन का दूसरा आपको कीड़े मकोड़े और बीमारियों का भी प्रबंधन करना है जी जी। इस अवस्था पे वो समस्याएं आ सकती है उनकी तरफ आपको निगरानी रखनी है और समाधान करते रहना है बिल्कुल तो देखिए जैसे सिंचाई की बात की तो इस वक्त सिंचाई के बारे में जाना बहुत महत्वपूर्ण है इसके अलावा और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं किस किस तरीके से आपको फसल को सुरक्षित रखना है ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो इसके बारे में विस्तार से आगे कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और आप हमें अपने सवाल भी बता सकते हैं ई कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं बातचीत की शुरुआत करें और आगे कुछ जानकारियाँ लें आपके सवाल लें उससे पहले आइए देखते हैं गेहूँ पर हमारी रिपोर्ट यह समय गेहूं की देखभाल का है फसल को गिरने से बचाने के लिए बाली निकलने के बाद सिंचाई हवा की गति के अनुसार करें समय पर बोई गई गेहूं की फसल में फूल आने लगते हैं इस दौरान फसल को सिंचाई की काफी जरूरत होती है गेहूं में समय से बुआई के हिसाब से तीसरी सिंचाई गांठ बनने वाली यानी बुआई के 60 से पैंसठ दिनों के बाद की अवस्था और चौथी सिंचाई फूल आने से पहले यानी बुआई के 60 से पचासी दिनों के बाद करें वहीं पांचवी सिंचाई दुधिया अवस्था में यानी बुआई के 110 से 115 दिनों बाद करें। पछेती या देर से बोई गई गेहूं की फसल में कम अंतराल पर सिंचाई की जरूरत होती है इसलिए फसल में अभी क्रांतिक अवस्थाओं जैसे शीर्ष जड़े निकलना कल्ले निकलते समय बाली आते समय दानों की दुधिया अवस्था और दाना पकते समय सिंचाई करनी चाहिए गेहूं में मैग्नीज़ की कमी के लक्षण दिखाई देते ही इसे दूर करने का उपाय करें मैग्नीज उर्वरकों का इस्तेमाल मिट्टी में मिलाकर या खड़ी फसलों पर सीधे छिड़काव करके किया जाता है आमतौर पर शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत मैग्नीज सल्फेट के तीन छिड़काव दस से पंद्रह दिनों के अंतराल पर करने से मैग्नीज की कमी पर नियंत्रण किया जा सकता है इसमें गेहूं की पैदावार में तीन गुना तक बढ़ोतरी पाई जाती है वहीं गेहूं की खड़ी फसल में जस्ता की कमी दिखने पर शून्य दशमलव जिंक सल्फेट के घोल का छिड़काव दस दिनों के अंतराल पर दो से तीन बार करना चाहिए रस चूसने वाले कीट चेपा के नियंत्रण के लिए इमिडाप्लोरो 200 एस या 20 ग्राम सक्रिय तत्व का छिड़काव खेत के चारों तरफ दो मीटर बॉर्डर कब से इसके शुरू होने का उचित समय है गन्ने की फसल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसीलिए इसको नकदी फसल की संज्ञा दी गई है किसान भाइयों के लिए तो गन्ना इस समय अगर बात करें तो बसंतकालीन गन्ने की बुआई का जो समय है वो शुरू होने वाला है और हमारे यहाँ अपने देश में बसंतकालीन गन्ने की बुआई सबसे अधिक होती है तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि, कि किस तरीके से हम गन्ने की किस्मों का चयन करें किस विधि से गन्ने की बुआई करें किस प्रकार से खेत की तैयारी करें ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब हम गन्ने की बुआई करने जा रहे होते हैं जी जी क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है कि गन्ने की एक बार बुआई हम करते हैं तो उसकी दो बार तीन बार उसकी पेड़ी फसल लेते हैं जी 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 उस... तो बुआई के समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है चाहे गन्ने के बीज के उपचार की बात हो बीज के चयन की बात हो कौन सी किस्म हम बोल रहे हैं जिसमें पेड़ी की क्षमता बहुत अच्छी है तो ये कई चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं इस समय जब हम गन्ने की बुआई करने जा रहे होते हैं जी जी बिल्कुल जैसे तो, पेड़ी के बारे में भी आपने बताया और ये बहुत अच्छी फसल है किसानों के लिए नगदी फसल है अच्छा किसानों को लाभ होता है और गन्ने से तो चीनी बनती है और बहुत तरह के उत्पाद होते हैं कई तरह के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट उत्पाद जिसे हम जिसके बारे में जानते हैं यानी बहुत महत्वपूर्ण फसल है फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और गन्ने पर देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है विषम परिस्थितियां भी गन्ने की फसल को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती जिसके कारण गन्ने की खेती सुरक्षित और फायदेमंद मानी जाती है अक्सर किसान परंपरागत तरीके से गन्ने की बुआई करते हैं लेकिन बुआई की आधुनिक विधियों को अपनाकर आप ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं ऐसी ही एक विधि है ट्रेंच विधि ट्रेंच का मतलब होता है नाली ट्रेंच विधि का मतलब नाली खोद नाली में गहराई में गन्नों की बुआई करना है इस विधि से गन्ने की बुआई करके दूसरे तरीकों के मुकाबले आप ज्यादा पैदावार पा सकते हैं इस विधि में फसल की ज्यादा सिंचाई भी नहीं करनी पड़ती ट्रेंच विधि से बुआई के लिए सबसे पहले खेत तैयार करें। खेत तैयार करने के लिए ऐसे खेत का चयन करें जहाँ पहले लगी गन्ने की फसल में कोई बीमारी ना लगी रही हो साथ ही उस खेत में जल भराव की समस्या ना हो ट्रेंच विधि में 30 सेंटीमीटर चौड़ी और इतनी ही गहरी नाली बनाई जाती है दो नालियों के बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर रखें फिर दो आँख वाले गन्ने के टुकड़े लेकर उन्हें आड़ा बोए और दो टुकड़ों के बीच करीब 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें इस विधि में बीज थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन इससे 25 फीसदी तक ज़्यादा फसल ली जा सकती है बुआई करने के बाद अगर खेत में पर्याप्त नमी है तो गन्ने की सिंचाई ना करें अगर मिट्टी में नमी नहीं है तो हल्की सिंचाई करें तो बिल्कुल अभी आपने रिपोर्ट देखी है गन्ने पर हमारी रिपोर्ट थी और आज हम विशेष तौर पर बात करेंगे आधुनिक विधियां कौन सी है, जिसे किसान अपना सकते हैं इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी सवाल हैं आप किसी किस्म के बारे में जानना चाहते हैं पेढ़ी प्रबंधन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य कॉल करें एक हमारे पास अभी व्हाट्सएप सवाल आया है आइए हम उस सवाल ले लेते हैं सर इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है क्या है लेकिन गन्ने की फसल में तना गलन जो रोग है उसका मुख्य कारण क्या है ये जानना चाहते हैं दूसरा है इस रोग से की रोकथाम किस प्रकार से करें कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करें वो और जिससे उनकी फसल पर प्रभाव ना पड़े और दूसरा सवाल ये भी है इनका कि गन्ने के बीज का मुख्य नाम क्या है दो सवाल है गन्ने पर नाम नहीं लिखा दर्शक जो भी है उन्होंने गन्ने के बीज का जानना हाँ, चाहते हैं ठीक है देखिए इस समय जो इन्होंने बताया है कि तना विगलन लग रहा है गन्ने की एक किस्म है जो काफ़ी क्षेत्र में फैली हुई है को जीरो दो सौ अड़तीस जिसमें गन्ने के तने का अंदर का जो गूदा है वो पूरा लाल हो जा रहा है और उसमें जगह जगह सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं और अगर उसको हम सूंघते हैं तो उसमें सिर के जैसी एक गंध आती है तो ये इस वैरायटी में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसको हम कहते हैं गन्ने का लाल शरण रोग रेड राट जिसको बोलते हैं एक तरह से इसको गन्ने के कैंसर की संज्ञा दी गई है तो ये इनका जी 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 इनका उद्देश्य यही है तो इसके लिए ये उनको क्या मैनेजमेंट करना है मैं बता दूं उनको कि आपके गन्ने के खेत में जिस क्लंप में जिस मुढ़ में या झुंड में ये लगा हुआ है उसको तत्काल आप उसको जड़ सहित उखाड़ करके कहीं नष्ट कर दीजिए और जहाँ से आप इसको उखाड़े हैं वहाँ पर दस से बीस ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल करके इसकी ड्रेंचिंग आप कर दीजिए दूसरी चीज़ उस खेत की मेड़बंदी आप कर दें ताकि उस खेत का पानी दूसरे खेत में ना जाने पाए ताकि आपकी जो स्वस्थ फसल है वो प्रभावित ना होने पाए तीसरी चीज ये है कि उस खेत में आप एक साल तक कम से कम गन्ने की बुआई ना करें क्योंकि जो इसलिए लालसरण रोग है इसका जो रोगजनक है पैथोजन है ये बिना होस्ट अर्थात बिना गन्ने के भी एक साल तक ये सक्रिय अवस्था में रहता है तो उस खेत में आप गन्ने की बुआई ना करें और को जीरो की जगह पर दूसरी गन्ने की किस्मों की बुआई करें जो आप बीज की बात कर रहे थे आपने अपना जगह नहीं बताया कि आप कहाँ से बोल रहे हैं आपके जो नि, निकटतम जो रिसर्च स्टेशन है आपके क्षेत्र के लिए जो उपयुक्त किस्म है वो है मैं उत्तरी भारत के लिए आपको बता दूं कि जो गन्ने की किस्में हैं जो प्रचलित है अगेती किस्मों में आप गन्ने की जिसकी बुआई कर सकते हैं कोसा तेरह दो सौ पैंतीस है गन्ने की अगेती किस्म है बहुत अच्छी इसकी किस्म है अगर जमाव की बात करें ब्यात की बात करें और इसमें सरकार प्रतिशत की बात करें या पेढ़ी पेढ़ी की बात करें तो सभी इसमें इस, इस वैरायटी में ये सब हैं और इनकी बुआई आप करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं इसके साथ साथ कोलक चौदह दो सौ एक गन्ने की किस्म है ये भी अगेती किस्म है बहुत अच्छी पैदावार होती है गन्ना गिरता नहीं है अच्छी बढ़वार इसकी होती है को पंद्रह जीरो तेईस गन्ने की किस्म है अगेती किस्म है ये सभी किस्में बहुत ही अच्छी हैं जो जीरो दो सौ अड़तीस की जगह पर उसके बराबर या उससे अधिक पैदावार देने में सक्षम हैं जी बिल्कुल तो ये तो बात हुई जो हमारे दर्शक का सवाल था उसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियाँ और हमें डॉक्टर पाठक ने दे दी है अब गेहूँ पर हम सवाल लेते हैं सर जैसे आपने मुख्य रूप से हमें बता दिया कि इस वक्त कौन कौन सी विधियाँ हैं जो समसमायिकाल हैं जो किसानों को करने की आवश्यकता है लेकिन अगर अब मैं जो समय से बोई गई बोई गई गेहूँ की फसल है या फिर पछैती फसल है उसमें खरपतवार की भी समस्या इस वक्त किसानों को आने लगती है तो उसका किस प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं किसान किसान भाइयों आप जानते हैं खरपतवारों से गेहूं की फसल को भी नुकसान होता है और आमतौर पर आप कसे कसोली या जो भी आपके यंत्र होते हैं होइंग मशीन होती है उससे खरपतवारों का निष्कासन कर सकते हैं जो अवस्था है रसायनों के प्रयोग की वो लगभग समाप्त हो चुकी है क्योंकि गेहूँ में खरपतवार नाशी ज़्यादातर या तो आप बुआई के समय पर प्रयोग में लाते हैं या बुआई के 30 से 35 दिन बाद तक आप प्रयोग में ला सकते हैं तो इस अवस्था पर कोई भी खरपतवार नाशी यानी कोई भी दवाई रासायनिक दवाई उपलब्ध नहीं है जिससे आप खरपतवार का नियंत्रण कर पाए तो इस समय अगर आपको कहीं खरपतवार दिखाई देते हैं तो या तो हाथ से निकाल दें या कसी कसोले उस तरह का आपके पास कोई होइंग यंत्र हो तो उससे निकाई गुड़ाई करके आप खरपतवारों को निकाल सकते हैं जी बिल्कुल तो खरपतवार निकल निकालने के लिए अभी यह है कि आपको मैन्युअली ही आ, करना जी, पड़ेगा मतलब अपने औजारों का, का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन किसी तरह की दवा का भी ये समय नहीं है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है लेकिन ब्रेक के बाद भी हम आपके सवाल लेंगे अगर आप अभी ये भी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं गेहूँ फसल की देखभाल की और साथ ही कैसे गन्ने की आप उचित तरीके से जो नई तकनीक है नई विधियाँ हैं उनका इस्तेमाल कर फसल ले सकते हैं जानेंगे इसके बारे में और विस्तार से छोटे से ब्रेक के बाद अरे वाह अकेले अरे तू भी ले पर खाएगा कैसे मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा बेटे अकेले अकेले खेती कब तक करेगा मतलब गांव में बीस पच्चीस किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा कर ले फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक अच्छा आ, अरे भाई कहा चल दिया सबको साथ लाने आमदनी बढ़ाने तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए ज्यादा मुनाफा कमाइए माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती अरे सुन तो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी स्वतन को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं अच्छा ये बात है हाँ, क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है ऐसा क्या हाँ अब तो ज्यादा लाइने और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है ये देखो आ गया अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी तभी हाँ। मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं लो किसान एक बार फिर से आपको आज के कार्यक्रम के विषय बता दें आज हम जानकारी ले रहे हैं कैसे आप सर्दियों में गन्ने की जो फसल है जो अगली फसल है वो किस प्रकार आप ले सकते हैं आधुनिक तरीके से कैसे आप फसल ले सकते हैं साथ ही गेहूँ फसल में कौन कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रखना इस वक्त आवश्यक है दोनों विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है आप हमें ईमेल करें व्हाट्सएप करें या टोल फ्री नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं एक ऐसे ही हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आया है सर ये लीलू ठाकुर हैं जिन्होंने हमें मंडी हिमाचल प्रदेश से सवाल भेजा है और ये कहते हैं कि ये आठ हज़ार फीट ऊँचाई पर गन्ने की खेती क्या करना संभव है और अगर ये गन्ने की फसल ले सकते हैं अपने क्षेत्र में तो कौन सी किस्म लगानी चाहिए एक्चुअली वहाँ की जो वातावरणीय परिस्थितियाँ हैं वो गन्ने के अनुकूल नहीं हैं गन्ने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो वहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है इसलिए गन्ने की ना तो बढ़वार होगी और ना ही गन्ने की अच्छी पैदावार वहाँ पे हो पाएगी तो वहाँ के लिए गन्ने की खेती करना नहीं हो। तो मतलब हाँ के लिए अच्छा सर जैसे आप हम अभी आज बात कर रहे हैं गन्ने की आधुनिक विधियों के बारे में तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं तो मुख्य रूप से रूप से जो किसान अभी में सुन रहे हैं वो गन्ने की अगली जो फसल लेंगे तो कौन कौन से मुख्य रूप से वो आधुनिक विधिया जिन्हें अपना सकते हैं देखिए सबसे प्रमुख बात यह है कि गन्ने की खेती में जो बीज की मात्रा होती है यदि हम सामान्य विधि से भी गन्ने की बुआई करते हैं तो 50 से 60 क्विंटल बीज लगता है एक हेक्टेयर में जी और वहीं पे अगर हम ट्रेंच विधि से अगर गन्ने की बुआई करते हैं या रिंग पिट विधि से गन्ने की बुआई करते हैं तो ये सत्तर से पचहत्तर कुंटल बीज प्रति हेक्टेयर लगता है जो कि एक आ, हमारी जो गन्ने की लागत आती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें चला जाता है तो आज वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि हम उस विधि को अपनाएं कि कम बीज में अधिक से अधिक क्षेत्रफल की हमारी बुआई हो सके तो कम बीज से जहाँ एक तरफ हमारी लागत कम आएगी वहीं पर आधुनिक विधि से हमारी पैदावार भी अधिक बढ़ेगी ऐसे में ये बहुत ही प्रासंगिक है कि किसान भाई गन्ने की सिंगल बट विधि से नर्सरी तैयार करके और उसकी बुआई करें सिंगल बट विधि से नर्सरी तैयार करने के लिए किसान भाई या स्टीपी विधि से नर्सरी तैयार करते हैं उसके लिए कोई अलग से पॉलीट्रे की भी जरूरत नहीं पड़ती है ज़मीन में ही एक हेक्टेयर में अगर किसान भाई को गन्ने की बुआई करनी है तो मात्र दस मीटर बाई दस मीटर सौ वर्ग मीटर की जगह चाहिए और उसमें वो एक एक आँख के टुकड़े की नर्सरी लगा करके उस जगह को आप कल्टीवेटर से या किसी हैरो से जुताई करके उसमें दो तीस दो से तीन कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद डाल दें। खाद डालने के बाद जो नर्सरी हम बनाएंगे जमीन की सतह से पंद्रह सेंटीमीटर ऊंची नर्सरी बनाते हैं और उसमें एक एक आँख के जो टुकड़े हैं लगभग पाँच से साढ़े पाँच सेंटीमीटर काट करके उनको बीज उपचार करके बीज उपचार बहुत ही जरूरी है एक बीज उपचार के लिए चालीस लीटर पानी और चालीस ग्राम बावस्टिन लेकर के जो एक एक आँख के टुकड़े हैं उनको 10 मिनट तक हम उसमें उपचारित कर लेते हैं उपचारित करने के बाद जो हमारी जो ये बेड बनी है उसमें एक एक आँख के टुकड़े ऊपर की तरफ बोते हैं खड़े इस तरीके जिससे हमारी आँख ऊपर की तरफ रहे इस तरीके से बोते हुए चले जाते हैं एक आँख के टुकड़े से दूसरे आँख के टुकड़े की जो दूरी होगी दो सेंटीमीटर और एक लाइन से दूसरे लाइन की जो दूरी होगी वो चार से पाँच सेंटीमीटर इस तरीके से टुकड़ों को बिछा करके और इसके ऊपर दो से तीन सेंटीमीटर मिट्टी बालू और कंपोस्ट का ये मिश्रण बना करके इसकी इसको ढक देते हैं एक चीज़ मैं और बताना चाहूंगा किसान भाइयों को इसको अगर आप चीनी मिल की जो बगास आती है खोई है उससे भी अगर इसकी ढकाई कर देते हैं तो ये जो हमारे जो एक्सपेरिमेंट है इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आए हैं क्योंकि नर्सरी में घास बहुत ज्यादा उगाती है तो इसकी जगह पे जो मिश्रण हमने बताया इसकी जगह पे बगास का भी प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं इस तरीके से करने के बाद समय समय पे तीन चार सिंचाई करने के बाद 20 से 25 दिन में तीन से चार पत्तियां इसमें आ जाती हैं जी। और ये जब तीन से चार पत्तियां आ जाएं तो इनको किसान भाई अपने ले जाकर खेत में जिस तरीके से बुआई कर उसकी रोपाई कर दें रोपाई करने इससे फायदा ये होता है कि गन्ने में सामान्य तौर पर अगर देखें तो 40 से 45 परसेंट जमाव समान विधि से हो पाता सर, है सर गन्ने की जैसे आप बता रहे हैं कि इसको रोपित कर दे खेत में, तो, आ, कौन सा महीना होता है आमतौर पर जब इसको हम खेत में रोपित करते हैं गन्ने की बुआई का जो समय है पंद्रह फरवरी से लेकर के और तीस मार्च तक जो उपयुक्त समय है जिसमें गन्ने का जमाव यानी हम बसंतकालीन करने बसंतकालीन गन्ने की बात कर रहे हैं तो ये नर्सरी जब हम तैयार करते हैं तो हम एक महीने पहले इसकी नर्सरी तैयार कर दें अब नर्सरी तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय है इस समय किसान भाई उसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं और 20-25 दिन बाद उसकी खेत में ले जा करके उसकी रोपाई कर दें इससे फायदा ये होता है कि एक तो हमारा बीज एक तिहाई लगा और एक तिहाई बीज में हम एक हेक्टेयर की बुआई कर लेते हैं जहाँ पे हम साठ सत्तर क्विंटल बीज लेते थे जी। दूसरी इस विधि से जब हम बुआई करते हैं रोपाई करते हैं तो जमाव हमारा नाइन्टी परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट तक होता है जहाँ पे हम चालीस चालीस से पैंतालीस परसेंट जमाव ले पाते हैं तीसरी चीज ये कि जब इस विधि से हम बुआई करते हैं तो गन्ने में जो टिलरिंग होती है ब्यात होते हैं कल्ले निकलते हैं वो सामान्य विधि की तुलना में अधिक निकलते हैं जिससे हमें अधिक गन्ने की प्राप्ति होती है और अंततः हमारा उत्पादन अधिक होता है जी, तो जी। आज समय इस बात का है कि कम लागत में अधिक पैदावार तो इस विधि को अपनाने की जरूरत है इसमें बीज कम लगता है और नई गन्ने की जो किस्म निकलती है वो शुरू में बहुत कम मात्रा उसकी होती है तो ऐसे के लिए भी ये बहुत उपयुक्त है कि अगर आपके पास कम बीज है तो भी आप अधिक क्षेत्र भर की बुआई करें बिल्कुल सकते और इसीलिए जैसे कि आपने कहा कि कम बीज से ज्यादा उत्पादन लेना ही लाभकारी है क्योंकि इसमें आपकी लागत घटती है श्रम भी कम लगता है श्रम भी लगता है। और दूसरी बात ये कि जैसे कि आपने बताया कि हमारे किसान कौन कौन सी नई विधियां हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो आज का विषय भी वही है अगर आपके भी कुछ प्रश्न है इससे जुड़े हुए तो आप जरूर हमें फोन करें अपने सवाल हम तक पहुँचाए चले गेहूं से जुड़ा हुआ सवाल है हालांकि सवाल रिपीट हो रहा है लेकिन मुझे लगता है कि दर्शक शायद अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं इसलिए सवाल फिर से भेज मतलब भेज रहे हैं ये जानना चाहते प्रकाश शर्मा है उत्तर प्रदेश से कहते गेहूँ फसल में खरपतवार है और इसमें कौन सा रसायन का इस्तेमाल करें बिल्कुल इस समय पे जब फसल आपकी दो महीने की तीन महीने की हो चुकी है इस अवस्था पर किसान भाइयों कोई भी खरपतवार नाशी नहीं है जो आपकी गेहूं की फसल में डाला जा सके अब आप, आप सिर्फ निकाई गुड़ाई करके ही अपने खरपतवार निकाल सकते हैं अगले साल जब आप फसल बोएंगे गेहूं की तब निश्चित तौर पे अगर आपको खरपतवार नाशियों का प्रयोग करना है आप पेंडी मिथालिन ले सकते हैं जिसको बुआई के समय पे प्रयोग में ला सकते हैं इसके अलावा मेट सल्फ्यूरान और सल्फ्यूरान ये दो दवाई हैं जो आप बुआई के तीस से पैंतीस दिन बाद इनका छिड़काव कर सकते हैं तो कुल मिला के तो हैं लेकिन वो आपकी एक महीने तक ही है एक महीने से ज्यादा ऊपर की फसल होगी तो कोई दवाई नहीं है जिससे आप खरपतवार नष्ट कर सके। जी जी एक और सर गेहूं से जुड़ा हुआ ही सवाल है, तो हम वो भी लेते हैं और ये है गेहूं की पंद्रह चवालीस किस्म की बुआई की है कितने पानी की जरूरत है सिंचाई के बारे में जाना चाहते हैं अगला प्रश्न भी हमारा सिंचाई से जुड़ा हुआ होने वाला था जी देखिये मध्य प्रदेश से है तो निश्चित तौर पर जरूरी नहीं है कि इनके पास छह सिंचाई हो गेहूं में मोटे तौर पे पाँच से छः सिंचाइयों की जरूरत होती है और अगर आपके पास मान लीजिए दो सिंचाई है तो पहली सिंचाई आप कर चुके होंगे वो आपको जब क्राउन रूट बनती है जब ताजमहल बनती है जड़ें बनती हैं बुआई के 21 से 25 दिन बाद वो आप कर चुके होंगे और दूसरी सिंचाई आपको फूल बनते समय जो अवस्था अब गेहूँ की फसल में आ रही है पुष्पन की अवस्था इस अवस्था पर करें वो आपकी बुआई के 80 से पिचासी दिन बाद आती है तो इस तरीके से अगर आपकी मान लीजिए तीन सिंचाई आपके पास हैं तो पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद और दूसरी सिंचाई आप 60 से पैसठ दिन बाद और तीसरी सिंचाई जब आपका दाने में दूध पड़ चुका हो जो कि 100 से 105 दिन पे आती है उस समय आप सिंचाई करें और अगर आपके पास मान लीजिए पांच छ सिंचाई हैं तो आप बीस से पच्चीस दिन के अंतराल पे आप सिंचाई गेहूं की फसल में करते रहें हाँ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके यहाँ बारिश हो गई है मौसम ख़राब होने वाला है बारिश आने वाली है तब आप सिंचाई को दो चार दिन टाल दें मौसम की जानकारी का जो ज्ञान है वो लेना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों को जब भी हम कृषि का कोई भी कार्य करने जाएँ छिड़काव करने जाएँ या सिंचाई लगाने जाएँ या फसल काटने जाएँ उस समय पे मौसम की जानकारी ज़रूर लें उसके हिसाब से आप अपनी सस्य क्रियाओं को अपना सकते हैं जी बिल्कुल तो ये कुछ बातें हैं जिसका अवश्य ध्यान रखें बुआई के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक चरण में आपको विशेष आवश्यकता आप है ध्यान रखने की वैज्ञानिक सलाह लेने की ताकि अच्छी फसल आपको प्राप्त हो सके सर एक हमारे पास गन्ने से जुड़ा हुआ सवाल आया लेकिन ये सवाल मुझे भी बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा है आनंद कुमार ने बिहार से ये ट्राई ट्राइ, ट्राइकोडर्मा ठीक है ट्राइकोडर्मा का यूज़ गन्ना बुआई में किस प्रकार से करें ट्राइकोडर्मा के बारे में जाना बहुत अच्छा प्रश्न आनंद जी ने पूछा है और आज समय की मांग है कि जब भी हम गन्ने की बुआई करें कोई भी किसान भाई हो और अगर गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अपने खेत में अवश्य करें क्योंकि जिस तरीके से ये रेड राड का जो फंगस है लाल सरन रोग का फंगस है ये संक्रमण फैला रहा है गन्ने में ऐसी परिस्थिति में ये आवश्यक हो है कि ये जो बायो प्रोडक्ट है जैव उत्पाद है ट्राइकोडर्मा इसका आप प्रयोग अवश्य करें प्रयोग की विधि यह है कि 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को दो से तीन कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके खेत की तैयारी के समय अंतिम जुताई के समय इसको बिखेर दें और कोशिश ये हो कि जब इसका प्रयोग करें तो उसके साथ किसी रसायन का प्रयोग ना करें ट्राइकोडर्मा का जब प्रयोग करें आप यदि कि कोई किसान भाई खेत की तैयारी के समय इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो गन्ने की बुआई के बाद जब गन्ना जम के तैयार हो जाता है 40 से 45 दिन बाद तो इसकी मात्रा को 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को दो से तीन कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके पहली सिंचाई के बाद गन्ने की लाइनों में डाल करके गुड़ाई कर दें तो इससे ये होता है कि ट्राइकोडर्मा में बेसिकली एक फंगस होता है जो फंगस लाल शरण रोग के फंगस को रोक बढ़ने से रोकता है और भी कई बीमारियां हैं जो गन्ने में फंगस के द्वारा होती हैं उस फंगस को संक्रमण करने से रोकता है ये ट्राइकोडर्मा तो किसान भाई ये सभी किसान भाइयों के लिए आज के वर्तमान परिवेश बहुत ही आवश्यक हो गया है कि मिट्टी का उपचार मृदा का उपचार आप ट्राइकोडर्मा से अवश्य करें जी और एक हमारे पास और सवाल है सर ये गेहूं से जुड़ा हुआ है आनंद कुमार सिंह हैं गोंडा से ने उत्तर प्रदेश से हमें ये ये व्हाट्सएप सवाल भेजा है जानना चाहते हैं गेहूं में कौन सा फंजी साइड डाले जिससे जी, जी, जी। जी, किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जब भी आप फंजी साइड या इंसेक्टी यानी कीटनाशी या फफूंद नाशी कवक नाशी या रोग नाशी रसायन का प्रयोग करें तब आवश्यकता के अनुसार ही करें क्योंकि आपने ये मान लिया कि मेरी फसल में बीमारी आ जाएगी आप हमें दवाई का नाम बता दीजिए और हम उसको डाल देंगे लेकिन ऐसा नहीं है बहुत बार किसान भाई समस्या नहीं आती और उसके निदान या उसकी जो उपचार है वो शुरू कर देते हैं अब मान लीजिए मुझे बुखार नहीं आया तो मैं बुखार की दवाई क्यों खाऊंगा? दवाई तभी खाऊंगा जब बुखार आएगा इसी तरीके से जब हमारी फसलों में रोग आएगा कोई कीट आएगा कोई समस्या आएगी तभी हमें उसका निदान करना होगा तभी हमें रसायनों का प्रयोग करना होगा इस तरीके से आप रसायनों का प्रयोग ना करें पहले इंतजार करें देखें गेहूं में वैसे भी रोग और कीट कम आते हैं और आप निगरानी करते रहें और सीधे रसायनों पर जाना ठीक नहीं है जी सर एक हमारे दर्शक और हैं जिन्होंने हमें व्हाट्सएप सवाल भेजा है दिशांक है जिन्होंने सवाल किया है ये और मध्य प्रदेश से हैं दिशांक जाना चाहते हैं क्या गेहूं में नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है देखिए ये जो प्रश्न है आपको जो नाइट्रोजन का प्रबंधन है वो शुरू से करना है और नाइट्रोजन का प्रबंधन का समय आपका निकल चुका है क्योंकि नाइट्रोजन के बारे में ये कहा जाता है जो समय से बोई गई फसल है उसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा आपको बुआई के समय पर प्रयोग करनी होती है और बाकी जो नाइट्रोजन है उसको दो बराबर भागों में बांट के आप पहला पहला भाग आप पहली सिंचाई के बाद प्रयोग करें और दूसरा दूसरी सिंचाई के बाद प्रयोग करें तो इस तरीके से आपको नाइट्रोजनधारी उर्वरकों का प्रयोग करना है और गेहूं के लिए जो समय से बोया गया, गया है, से है। से गेहूं है उसमें 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको प्रयोग करना है इसी तरीके से जो पछेती गेहूँ है उसमें एक किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करना है और उस नाइट्रोजन को आपको दो बार देना होता है आधा आप बुआई के समय देते हैं और आधा आप पहली सिंचाई के बाद देते हैं तो पछेती गेहूं में जरूर आपको प्रबंधन करना है जो समय से बोई हुई गेहूं की फसल है उसमें आप नाइट्रोजन का प्रबंधन पहले से ही कर चुके होंगे जी जी बिल्कुल तो ये तो बात हो गई गेहूं की और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं वो भी लेंगे बारी बारी से आ, सर जैसे हमने आधुनिक विधियों के बारे में बात की और कुछ आपने जानकारी अभी दी कि कम बीज में कैसे हम ज़्यादा उत्पादन लें कम बीज से कैसे ज़्यादा अच्छी फसल लें इसके बारे में थोड़ी और हम जानकारी आपसे लेंगे इसके अलावा सह फसलें कौन कौन सी हैं जो गेहूँ के साथ आप ले सकते हैं गन्ने के साथ ले सकते हैं और इससे कैसे हमारे किसानों को और अधिक लाभ हो सकता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा कॉल करें ई करें या फिर व्हाट्सएप से भी अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ फिलहाल छोटा सा जब बात अच्छी सेहत की हो किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो किसी तरीके का समझौता ना करो ना बढ़ते, लापरवाही लक्षणों को पहचाने और ले डॉक्टर की सलाह क्या बीमारी दिल की हो दांतों की हो या दिमाग की हो खुद से इलाज ना करें खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं। एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छह शून्य या एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य एक अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं हेलो किसान अगर आप अभी अभी हेलो किसान कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं तो आज के विषय एक बार फिर से आपके लिए हम दोहरा देते हैं आज हम बात कर रहे हैं गेहूं फसल में देखभाल की और साथ ही कैसे लें आप गन्ने की अच्छी फसल कौन सी वो आधुनिक विधियाँ हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आने वाली फसल के लिए अगर आपके कोई सवाल है हमें व्हाट्सएप करें ई करें या फिर हमें कॉल करके भी बता सकते हैं आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अगला जो मेरा सवाल है वो गन्ने की फसल से है वैसा डॉक्टर पाठक है सर गन्ने की फसल के साथ अन्य कौन सी स फसली हम ले सकते हैं और वो किस तरह का ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए और किस तरह कैसे से लाभ होता है फसल को मुख्य फसल को गन्ने के साथ स फसली की अगर बात करें तो ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि गन्ने की हम बुआई करते हैं लाइनों में बुआई करते हैं और गन्ने की दो लाइनों के बीच में जो दूरी रखते हैं वो कम से कम एक सेंटीमीटर से अधिक दूरी हम रखते हैं तो ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है कि गन्ने की दो लाइनों के बीच में जो जगह है चार फीट की जो दूरी है उसकी आवश्यकता गन्ने को लगभग सौ से एक दिन बाद पड़ती है और वो जगह हम इसलिए छोड़ते हैं कि गन्ने की पत्तियों को फैलने की पूरी जगह मिले और पत्तियों को जब पूरा फैलने का जगह मिलेगा तो पत्तियों में सीधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी भोजन बनने की क्रिया क्रिया होगी जिससे हमारी बढ़वार अच्छी होगी लेकिन उस जगह की आवश्यकता 120 दिन बाद गन्ने को पड़ती है तो ऐसे में हम गन्ने की बुआई के तुरंत बाद कोई ऐसी अंत फसल का चयन करें जो 100 से 120 दिन में पक करके तैयार हो जाए तो इससे हमें कम अवधि में एक अतिरिक्त फसल भी मिल जाएगी और गन्ने की जो लागत है जो मुख्य फसल उसकी काफ़ी हद तक लागत हमारी अंत फसल से ही निकल जाएगी तीसरी चीज़ यह है कि अगर अंत फसलों में हम दलहनी फसलों का चुनाव करते हैं तो हमें आमदनी के साथ साथ हमारी मृदा उर्वरता में भी वृद्धि होगी अब बात आती है कि अगर हम बसंतकालीन गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं तो इसमें मूंग और उर्द की बुआई कर सकते हैं गन्ने की दो लाइनों के बीच में इससे बेहतर ये दलहनी फसलें हैं जहाँ एक तरफ हमें अतिरिक्त आमदनी होगी वहीं पर जो इनकी जड़ें हैं मृदा में वायुमंडलीय नत्रजन का अवशोषण करती हैं जिससे मृदा उर्वरता में भी वृद्धि होती है अगर हम शरद काल में गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने की दो लाइनों के बीच में आलू लहसुन चना मटर मसूर इन सब की बुआई करके और हम एक अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं मैं एक चीज़ अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अगर आप गन्ने के साथ आलू और लहसुन कि अगर आप अंतः फसली खेती करते हैं तो आपको गन्ने की जो पैदावार है वो आठ से दस परसेंट और बढ़ जाती है अच्छा ऐसा ही एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि आलू और लहसुन की अगर हम अंत फसली खेती करते हैं और उसका एक रीज़न ये है कि आलू का जो बायोमास होता है और आलू का जो अवशेष होता है बहुत जल्दी सड़ जाता है और आलू के साथ जो भी हम मिट्टी चढ़ाने की क्रिया और अन्य जो सस्य क्रियाएँ करते हैं उसका कहीं ना कहीं लाभ गन्ने को मिलता है इसी तरह लहसुन में भी है तो ये फसली खेती सिर्फ आमदनी बढ़ाने के अलावा और भी कई इसके फायदे हैं तो गन्ने की दो लाइनों के बीच में किसान भाई जरूर अंतर फसल करें इससे उनको एक अतिरिक्त आमदनी प्राप्त इसमें इसमें एक चीज और देखी जाती है मैंने देखा है कुछ हमारे जो तराई क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के इनमें पीपरमेंट या मेन्था की भी फसल पे जोड़ देते हैं तो मेन्था की फसल भी इस जो हमारा नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर जा। बाद में हमारी गन्ने की जो फसल वो प्रभावित होने लगती है तो ऐसी फसलें हों जो कम अवध में ही पक करके तैयार हो जाए तो वो क्योंकि बाद में जब गन्ने में टिलरिंग की आवश्यकता होती है उस समय स्पेस की जरूरत होती है तो उस समय तक अगर फसल हमारी कट जाती है तो कोई हमारे मुख्य फसल में कोई नुकसान नहीं होता है चलिए अब गेहूं पर बात कर लेते हैं सर जैसे कि आपने बताया कि सिंचाई के बारे में बता दिया कब कब कितनी सिंचाई अब हम दीमक की बात कर लेते हैं जो दीमक की भी एक समस्या है जो गेहूं में आती है इसका निवारण किस तरीके से करें और कितनी हानि से गेहूं को हो सकती है और लक्षण क्या है कैसे बचा हो दीमक द्वारा गेहूँ की फसल को काफी नुकसान हो सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि दीमक गेहूँ की फसल में किसी भी अवस्था पर आ सकती है बुआई के बाद या अंकुरण के बाद से लेके पकने तक कभी भी आ सकती है और दीमक का प्रभाव ऐसी मिट्टियों में ज्यादा होता है जहां पे पानी कम हो नमी कम हो या हो या हल्की और आपने जो है कच्ची खाद का प्रयोग किया हो जो देसी खाद है गोबर की खाद है अच्छी तरह से गली सड़ी ना हो वहां पे दीमक आने की संभावना ज्यादा होती है या पिछली फसल के अवशेष उसमें रह गए हो तो वहां भी दीमक आने की ज्यादा संभावना होती है अगर गेहूं की फसल में दीमक के लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि नीचे से पौधों को काट देती है जमीन और 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 जमीन के अंदर जो भाग तने का मिलता है गेहूं के पौधों का उसको वो काट देती है और पत्ते आपके शुरू में पीले हो जाते हैं और फिर वो पौधे सूख जाते हैं इसके नियंत्रण के लिए आप क्लोरपारीफास दवाई ले सकते हैं इसकी तीन लीटर मात्रा लें और तीन लीटर मात्रा को लगभग पच्चीस किलोग्राम रेत में मिला लें समान रूप से मिला लें और मिलाने के बाद फिर आप प्रति हेक्टर के हिसाब से इसको छिड़क दें और ऊपर से एक हल्का सा पानी लगा दें जी ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है इससे आप दीमक का नियंत्रण कर सकते हैं जी एक व्हाट्सएप सवाल हमारे पास आया है और ये गन्ना फसल से जुड़ा हुआ सर हम ले लेते हैं सतीश कुमार है यमुनानगर हरियाणा से और गन्ने की बुझाई के समय कौन कौन से रासायनिक खादों का ये प्रयोग कर सकते हैं कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करें गन्ने की बुआई के समय जो एक हेक्टेयर में जो संस्तुत मात्रा है 180 किलोग्राम नाइट्रोजन 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास इसमें बुआई के समय जो नाइट्रोजन की मात्रा है एक तिहाई मात्रा अर्थात 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास ये गन्ने की जब लाइने हम खोलते हैं कूड़ खोलते हैं उसमें नीचे हम खाद डालते हैं उसके ऊपर गन्ने के टुकड़े की बुआई करते हैं और टुकड़े के ऊपर कीटनाशक डाल करके उसकी ढकाई कर देते हैं इसके अलावा किसान भाइयों को 100 कुंटल गोबर की जो खड़ी गो, गोबर की जो सड़ी हुई खाद है उसका प्रयोग प्रयोग अवश्य करना मैं कहना चाहूँगा क्योंकि मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ की जो कमी होती र, जा रही है और कम इसीलिए जो हम पोषक तत्व मृदा में दे रहे हैं उसकी उपलब्धता पौधों को नहीं हो पाती है इसलिए आर्गेनिक माइटर का किसान भाई ज़रूर प्रयोग करें नहीं गोबर की खाद है तो हरी खाद का प्रयोग करें ढैचा का प्रयोग करें सने का प्रयोग करें इनका प्रयोग करें जिससे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति हमारे होती रहे और जब मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया हमें जो पोषक तत्व तो हम देते हैं उनको पौधों को उपलब्ध अवस्था में बदलने का काम करते हैं तो ऑर्गेनिक रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जो ये कार्बनिक पदार्थ इनका भी प्रयोग किसान भाई जरूर करें जी सर गेहूं से जुड़ा एक और सवाल आ गया साथ साथ ये भी ले, ले लेते हैं डॉक्टर पाठक आपके लिए सवाल है ये ये हमारे दर्शक हैं कहते हैं कि चौदह दो सौ एक गन्ने की अगोला की पत्तियां पीली पड़ रही हैं जबकि गन्ने की जड़ तथा गन्ने में कोई और कीट रोग नहीं है तीन की पत्तियों में ऐसा नहीं है अजय कुमार हैं बरेली से चौदह दो सौ एक में ये देखा जा रहा है कि कहीं कहीं पे विल्ट का प्रकोप हो रहा है उगठा हो रहा है पत्तियां उसकी सूख रही हैं तो जो मैंने शुरू में आपको बताया कि ट्राइकोडर्मा से अगर आप मृदा का उपचार करते हैं तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी और अभी भी अगर आप संभव हो सके तो ट्राइकोडर्मा अगर खेत में आप डाल दें तो उससे काफ़ी हद तक ये जो विल्ट रोग है उगठा रोग है उसको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं

खास करके अगर मौसम ठंडा हो बदली छाई हो बहुत दिनों तक धूप ना निकली हो हल्की बारिश हो ऐसी दशा में किसान भाई अपनी फसल की निगरानी करते रहे बाल निकलनी शुरू हो गई हैं और माहू या चेपे के जो कीट होते हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे कीट होते हैं हल्के हरे या हल्के पीले से रंग के होते हैं और जो ग्रुप में होते हैं समूह में होते हैं और ये पत्तियों से रस चूसते हैं तने से रस चूसते हैं बालियों से रस चूसते हैं और इसके शिशु और प्रौढ़ दोनों जो एडल्ट और बच्चे हैं दोनों इसका जूस जो गेहूं की फसल का है उसका खींचते हैं और फसल को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर इनकी मात्रा संख्या आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे तो तुरंत इमीडा क्लोप्रिड नाम की दवाई आती है उसका आप प्रयोग करते हैं। इसकी एक मिलीलीटर मात्रा प्रति तीन लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाए 500 लीटर घोल बनाएं और प्रति हेक्टर के हिसाब से गेहूं की फसल में तुरंत आप छिड़क दें अगर आपको माह की समस्या है गेहूं पर एक और सवाल है सर ये हमारे पास व्हाट्सएप सवाल है राजपाल है हरियाणा से और गेहूं में पीला रतुआ की दवाई के बारे में जाना चाहते हैं कौन सी दवा इसमें कारगर रहेगी पीला रतुआ पर हम अभी सवाल भी करने वाले थे जी, जी, तो जी। क्या कहेंगे देखिये पीला रतुआ किसान भाई आजकल गेहूँ की फसल में देखने में आ रहा है खास करके हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश इन क्षेत्रों में आ रहा है आ सकता है सबसे पहले तो आपको निगरानी करनी है फसल की होता क्या है कि शुरू में हल्के पीले रंग की लहरदार पट्टियाँ पौधे पर बन जाती हैं और बाद में ये पीलापन बढ़ता जाता है और इसका चूरन बन जाता है पीले रंग का जो फफूंद होता है फफूंद का रंग हो जाता है और वो खेत में अगर आप निकलेंगे तो आपके अगर सफ़ेद कपड़े हैं तो वो पीले हो जाएंगे और खेत में नीचे आप पीले रंग का पाउडर भी चूर्ण भी देख सकते हैं फफूंद का तो कुल मिला कई बार इस रोग से काफ़ी नुकसान हो सकता है आप अपनी फसल की निगरानी करते रहें जो लक्षण बताएं और अगर ये रोग आ जाता है, तो आप तुरंत प्रोपेकोनाजोल नाम की दवाई का दशमलव एक प्रतिशत और 500 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें और इस छिड़काव को आप 10 से 15 दिन बाद दोहरा भी सकते हैं अगर ये रोग नष्ट नहीं होता है जी गन्ने पर एक सवाल है सर अब डॉक्टर पाठक गन्ने पर सवाल ले लेते हैं पीली उत्तर प्रदेश से है ये सवाल गन्ने की फसल में चोटी भेदक मर्ज हो गया है और इसमें कौन सी दवा का इस्तेमाल करें और ये जानते हैं कि जानना चाहते हैं ये रोग कब लग सकता है एक्चुअली टॉप बोरर जो टॉप बोर जोर टॉवर चोटी भेदक कीट है ये इसका प्रकोप तो अप्रैल मई महीने में होता है अब इस समय जो इनकी खड़ी हुई फसल है कई जगहों पे जो गन्ने की कटाई योग्य फसल है उस फसल में इसकी पाँचवीं पीढ़ी देखी जा रही है तो अब तो ये उस गन्ने की तो ये कटाई करके चीनी मिल में सप्लाई कर देंगे आगे से इनको ये ध्यान आगे से इनको ये ध्यान रखना है कि जो गन्ने में सूखी पत्तियां हैं उस खेत की सफाई अच्छी तरीके से कर दें ताकि इसके जो एग हैं जो इसके अंडे हैं वो नष्ट हो जाएं उसके बाद जो क्लोरेंट्रोनिलीप्रोल दवा है उसका डेढ़ सौ डेढ़ सौ एम को ले करके और चार सौ लीटर पानी में घोल बना करके और गन्ने की लाइनों में ड्रेंचिंग कर दें जिससे हम कीट को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं जी बिल्कुल अब सर हम गेहूं पर बात कर लेते हैं और पीला रथुआ पर हमने सवाल यही ले लिया और अब हम देखते हैं कि गेहूँ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है तो जिंक या जस्ता जिसे हम जानते हैं इसके लिए क्या करना चाहिए जहाँ पे धान गेहूँ फसल चक्र लिया जाता है या जो हमारी सीरियल क्रॉप्स क्रॉप अनाज वाली फसलें हैं या गन्ना है जो घास कुल की फसलें हैं वहाँ पे खास करके जस्ते की कमी मिट्टियों में हो जाती है ऐसी दशा में आपको पहले लक्षण पहचानने गेहूं में जो बीज की पत्तियां होती हैं, बिल्कुल ऊपर ऊपर की नहीं, जो की कुछ पत्ती छोड़ के दो तीन पत्ती छोड़ के पूर्ण रूप से विकसित जो पत्ती होती है बीज की उनमें जिनकी कमी के लक्षण आते हैं इसमें भूरे हल्के भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं और फिर यही धब्बे बड़े होकर पत्ती आपकी झुलस जाती है ये जस्ते की कमी के लक्षण है जी जी। इसके उपचार के लिए आपको दशमलव पांच प्रतिशत सल्फेट का घोल बनाना है और प्रति हेक्टेयर आप 500 सौ लीटर घोल का आप छिड़काव करें अगली बार अगर आपने मान लीजिए धान की फसल में जस्ते का प्रयोग किया है तो फिर आपको गेहूँ की फसल में जस्ते के प्रयोग की जरूरत नहीं रहेगी बिल्कुल तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं चाहे वो गन्ने की फसल हो या फिर गेहूं की आप इन्हें अवश्य ध्यान में रखें फिलहाल वक्त छोटी सी ब्रेक का कहीं मत जाएगा देखते रहे लोग आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मच बीज फसल किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी जो करके आएगा पूरी तैयारी प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनाम धन मंच है तैयार प्रश्न है तैयार और आप मैं भी हूँ तैयार मैं हूँ तैयार हाँ मैं भी हूँ तैयार मैं भी तैयार हूँ किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत किसान प्रश्न मंच सीजन टू हर रविवार रात साढ़े आठ बजे डीडी किसान पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और कुछ हमारे पास और सवाल आए जल्दी से ले लेते हैं क्योंकि कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं सर ये अजय सिंह है जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश से सवाल भेजा है और ये गन्ने में जो फंगस रोग है उसका नाम भी लिखा है तो मुख्य रूप से हम हाँ, गेहूं, गेहूं, में, गेहूं, में, गेहूं में रोग कौन कौन से हो सकते हैं और कैसे बचाव करें देखिए गेहूं में रस्ट और स्मट दो मुख्य रोग होते 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 हैं 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 जो जो से इसके अलावा करनाल बंट होता है तो जो रस्ट होते है, रस्ट इसमें रतुआ कहते हैं रस्ट को और ये तीन तरह के रस्ट होते हैं एक तने पे आता है रस जिसको काला रस्ट कहते हैं एक पत्ती पे आता है जिसको पीला रस्ट कहते हैं और जिसपे चर्चा भी होगी है एक ब्राउन रस्ट होता है तीन रस्ट होते हैं और एक लूज स्मट होता है इसमें गेहूं में आता है स्मट कहते हैं जिसमें काले रंग की बालियां हो जाती हैं यानी बालियों में काले रंग का पाउडर हो जाता है उसको हम स्मट कहते हैं और इसी तरीके से रस्ट में जो तना तने वाला रस्ट है या पीला रस्ट है उससे काफ़ी नुकसान होता है यही तीन चार जो है मुख्य

जो नुकसान होता है तो वहाँ पर रसायन छिड़कने की जरूरत नहीं होती हाँ अगर आपने बीज का उपचार किया है इसका जो फफूंद होता है कवक होता है वो बीज के अंदर बैठा हुआ होता है तो चार घंटे पानी में भिगो दें बीज को और चार घंटे फिर सुखा लें तो इसके अंदर जो कवक बैठा हुआ होता है वो मर जाता है तो अगली बार जब आप गेहूं बोएं तो इस इस प्रक्रिया को कर सकते हैं या बीज का उपचार वीटा वैक्स प्लांट वैक्स या बावस्टीन वगैरह से

की जो बीमारी है वो पर्टिकुलर एक वैरायटी में काफ़ी देखने में आ रही है को जीरो दो सौ अड़तीस जो गन्ने की किस्म है तो प्रायः जब ये बीमारी जिस किस्म में आ जाती है तो वो किस्म सामान्य खेती से उसको धीरे धीरे बाहर कर दी जाती है तो पहला तो मेरा किसान भाइयों से ये है कि जो मैंने अभी पहले बताया कि आप गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं जीरो दो सौ अड़तीस की जगह पे जो अन्य नई किस्में हैं कोसा तेरह दो सौ पैंतीस है कोलक चौदह दो सौ एक है कोसा सत्रह दो सौ इकतीस गन्ने की किस्म है को पंद्रह जीरो तेईस है ये सब अगेती गन्ने की किस्में हैं आप इनकी बुआई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं इसके अलावा जो मध्य देर से पकने वाली गन्ने की किस्म है बहुत ही अच्छी हैं कोसा सोलह दो सौ तैतीस है ये गन्ने की मध्य देर से पकने वाली किस्म है बहुत ही अच्छी गन्ने की किस्म है कोसा पंद्रह दो सौ तैंतीस है कोसा जीरो बानवे बत्तीस है ये इन किस्मों की किसान भाई बुआई करें जीरो दो सौ अड़तीस के जगह पे नंबर एक चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनके खेत में रेड रॉट बीमारी आ गई है तो उनको उस खेत में कम से कम एक साल तक गन्ने की बुआई नहीं करनी है तीसरी चीज़ यह है कि जो गन्ने की बुआई किसान भाई करें जीरो दो सौ अड़तीस के स्थान पे जो अन्य किस्मों की बुआई के लिए मैंने बताया बिना बीज उपचार के गन्ने की बुआई ना करें बीज उपचार के लिए एक आँख के टुकड़े या दो आँख के टुकड़े की को आप काट लें काटने के बाद बावस्टीन के पॉइंट वन परसेंट घोल में या फिर थायोफिनन मेथिर के पॉइंट वन परसेंट घोल में उसको कम से कम दस मिनट तक उपचार करें डुबो करके उपचार करें कई बार किसान भाई गन्ने के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं और एक ढेर बना लेते हैं और ऊपर से फंजी साइड का इस्प्रे कर देते हैं उस तरह के उपचार का कोई आ, मतलब नहीं है उससे कोई हमारा आ, हल नहीं होता है इसलिए जब तक उन टुकड़ों को आप दस मिनट तक उसको डुबोएंगे नहीं तब तक वो सही ढंग से उपचार होता नहीं है इस तरीके से और साथ ही साथ बीज के उपचार के साथ मृदा का उपचार होता है क्योंकि जो लाल लालसरण रोग का फंगस है यह सीड बार्न डिजीज है फिर पहले सीड से जाती है फिर सॉइल में इसका संक्रमण होता है तो बीज का उपचार और मृदा का उपचार दोनों का उपचार बहुत ही आवश्यक है तभी हम लाल लालसरण रोग से प्रबंधन कर सकते हैं फसल चक्र आपको अपनाना मस्ट है जीरो दो सौ अड़तीस की बुआई के अलावा अन्य जो नई गन्ने की किस्में उनकी आप बुआई करें यदि किसी के खड़े खेत में ये बीमारी आ गई है तो तत्काल उसको उस क्लम्प को उस गन्ने को जड़ सहित उखाड़ करके नष्ट कर दें और वहाँ पे जहाँ से उखाड़े हैं वहाँ 10 से 20 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल करके उसकी ड्रेंचिंग करके ढक दें और उस खेत की मेड़ मेड़बंदी कर, कर दें ताकि जो आपकी स्वस्थ फसल है वो प्रभावित ना होने पाए जी जी बिल्कुल तो स्वस्थ फसल की बात चलिए तो गेहूं पर भी हम बात कर लेते हैं सर एक रोरिंग की समस्या होती है ये क्या होती है और इससे फसल को कैसे नुकसान होता है गेहूं की फसल का कुछ किसान भाई बीज उत्पादन भी करते हैं क्योंकि अगले साल अच्छा बीज आना है नया बीज आना है तो किसानों द्वारा भी बीज उत्पादित किया जाता है तो उसमें एक रोगिंग प्रक्रिया होती है जो बहुत जरूरी होती है रोगिंग में क्या होता है कि आपने जो अमुक किस्म लगाई है गेहूं की उस खास किस्म में अगर दूसरी किस्म के पौधे आ जाते हैं तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बीज आपका शुद्ध नहीं रहेगा उस किस्म का तो उस तरह के पौधों को निकालना ही रोगिंग होता है और इसके लिए आप कर क्या सकते हैं एक तो पौधों की ऊंचाई या लंबाई देख सकते हैं जो दूसरी किस्म के पौधे होते हैं उनका हो सकता है कि उसमें आपके उन पौधों की लंबाई ज़्यादा हो या कम हो जो मुख्य वैरायटी है आपके या फिर पत्तों का रंग देख सकते हैं बालियों की जो लंबाई है वो देख सकते हैं बालियों का आकार देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे गुण पौधों के होते हैं जिनके आधार पे आप दूसरी किस्म के पौधों को पहचान सकते हैं तो फिर आप उस, उस तरह के पौधों को खेत से उखाड़ के बाहर कर दे और ये काम आपको कम से कम दो तीन बार करना चाहिए बीच बीच साथ साथ खरपतवार गेहूँ की जो बीज फसल है उससे निकाल दें जी जी बिल्कुल तो एक बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई और क्योंकि कार्यक्रम को अब हमें समाप्त करने का समय हो रहा है डॉक्टर तो पाठक अब मैं अंत में आपसे जानना चाहूंगी कि कौन कौन से आ, आ, अच्छे बायो प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है गन्ने में कम गन्ने की खेती में जब जहाँ एक तरफ हम रसायनों के कम प्रयोग की बात कर रहे हैं ऐसे में बहुत ही आवश्यक हो गया कि जो जैव उत्पाद हैं उनका प्रयोग करके हम अपनी खेती में अधिक उत्पादन ले सकते हैं साथ ही साथ जो रसायनों पे हमारी जो लागत लगती है उसकी लागत को भी कम कर सकते हैं पहला तो ट्राइकोडर्मा की चर्चा हो गई है दूसरा ये है कि अगर हम दीमक की बात करते हैं गन्ने में जो दीमक लग लगती है या फिर व्हाइट ग्रब जो लगते हैं उसके लिए हम बावेरिया बैसियाना और मेटाराइजियम एनिसोपली जो आता है उसको दो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसको प्रयोग कर सकते हैं इसमें हम दो से तीन कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद को लेकर के इसको मिला करके और खेत में हम प्रयोग करते हैं गन्ने की लाइनों में डाल करके गुड़ाई करते हैं तो इससे जो दीमक होती है वो दीमक का काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है क्योंकि कई बार जब हम रसायनों का प्रयोग करते हैं तो रसायनों के प्रयोग से दीमक नीचे चली जाती है और जब हम बायो प्रोडक्ट ये प्रयोग करते हैं बावेरिया वाइसियाना या मेटाइजियम एनिसोफली का प्रयोग करते हैं तो अगर दीमक के संपर्क में ये हमारे जैव उत्पाद आ गए हैं तो ये एक तरह के फंगस होते हैं और दीमक कितनी भी नीचे चली जाए वो नीचे चली जाए तो वो उसके साथ ही वो फंगस चला जाता है और अंत में उसको किल कर देता है तो इस तरह के इन बायो प्रोडक्ट को हम प्रयोग करके अपनी खेती को लाभदायक बना सकते हैं और रसायनिक

जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पाठक आपका भी और डॉक्टर दिनेश आपका भी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने कार्यक्रम में चाहे वो गेहूं की हो या फिर गन्ने की आधुनिक विधि से खेती की बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद और इसी के साथ ही आज के लो किसान में फिलहाल इतना ही लेकिन अगले अंक का विषय क्या है आई डालते हैं नजर हमारे अगले अंक का विषय है पपीते की खेती एवं रोपण और साथ ही हम बात करेंगे रबी फसलों में कीट एवं रोग नियंत्रण दोनों ही विषय से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न हैं आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं ईमेल कर सकते हैं आप हमारा ईमेल पता नोट कर लें हमारा ईमेल पता है रुकेसान दो शून्य पाँच एट जी मेल डॉट कॉम और हमारा टोल फ्री नंबर भी है एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छः एक तो आप चाहे तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें या फिर आप हमारे ईमेल पर अपने सवाल ईमेल करें अगर टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है तो सुबह छः बजे से रात दस बजे के बीच में आप कॉल करें और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस क्यू कोड को आप स्कैन करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हेलो किसान कार्यक्रम देखें या फिर आज का कार्यक्रम दोबारा अगर देखना है तो भी आप यूट्यूब पर जा सकते हैं इसी के साथ ही हालेंगे इजाजत फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ नमस्कार